साउंड कुछ ऐसा हो चुका है, बाइक की पूरी हालत खराब हो चुकी है। यहाँ खड़े भी नहीं हो पा रहे यार, इतनी दिक्कत है। जो पानी है ना यहाँ से, देखो गाड़ी आती है इधर साइड कॉर्नर में, एकदम पुलिस की भी निकलती है और पूरा पानी साला हमारे ऊपर, साला इसीलिए साइड खड़े हो रहे हैं। सकते हो माय भोपाल और ये इधर स्टेज बन रहा है। इंडिया का बहुत बड़ा आदमी यहाँ पे आ रहा है, जो स्टेज लग रहा है। तो आप लोग कमेंट कर बताओ कौन हो सकता है। तो भोपाल पसंद नहीं आएगा बोलता है आपको, भोपाल पसंद नहीं आएगा, बट बढ़िया है यार। चलो उस गया राजमा चावल का ऑर्डर दिया और साला वहाँ मिला छोला चावल, बट ठीक था, बहुत अच्छा नहीं था, खराब ही लग रहा था, मतलब इतना अच्छा नहीं था मेरे को। सो हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो गाइस आज हम लोग जा रहे घूमने, क्योंकि आज बारिश हुई थी। पहले मैंने अपनी बाइक निकाली, हेलमेट निकाला और उसमें कैमरा फिक्स किया। फिर मैं संतोष को कॉल करता हूँ कि भाई चल रहा क्या घूमने, तो उसका फोन आता है एक काम कर तो संयोग भैया के घर के पास आ जा, मैं जा रहा हूँ शुभम अपनी कार लेकर, तो कार से घूमेंगे। तो यार फटाफट चलते संयोग भैया घर के पास और वहाँ पे शुभम भाई अपना जो है कार लेके आ गया है, तो कार में चलते हैं, घूमते हैं लेक भी वगैरह। और यार थोड़ा बारिश वगैरह हो रही, तो कुछ ब्रेड पकौड़े वगैरह खाएंगे, कुछ गर्मा गर्म चीज़ें खाएंगे, मतलब। तो चलो यहाँ से निकलते हैं पहले। से भरी तोरे नाम का ताज बना देंगे, मीठी मीठी मिस्र की डली तेरी रातों का चांद जगा देंगे। चली चली लहरों से भरी तोरे नाम का ताज बना देंगे, मीठी मीठी मिस्र की डली तेरी रातों का चांद जगा देंगे। बली चली जाए। मैं लोग जस्ट अभी हम संयोग भैया घर पे आए थे और भैया बाइक का साउंड सुना रहे थे। इसकी हालत खराब होने के बाद कैसी हो गई, क्यों भैया एक बार स्टार्ट कर दो फिर से। हाँ अभी देखो ये बाइक जो है ट्रैक्टर बन चुकी है और इसको सर्विस सेंटर में देख के आए, तो वो लोग बनाने में नाटक कर रहे हैं। 10 दिन ले लिया, बोलते 20 दिन और चीज़, भैया उठा के ला लिया, बोले बाहर आ लिया। साउंड कुछ ऐसा हो चुका है, बाइक की पूरी हालत खराब हो चुकी है। पहले भैया का प्लान था बाइक वगैरह ना बेचे, इसको लाइफ टाइम रखेंगे, बट इसका जो इंजन में इतना भयंकर काम आ गया ना, तो दिमाग खराब हो गया। क्यों भैया बेचने का फुल प्लान है, पूरा प्लान। अब लग रहा है कल टीम इसको बेच दो, है ना। अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि जो बंदा आने वाला हमारा वहाँ वेट कर रहा है। तो भैया टाटा बाय बाय, तुम जॉब करो, जल्दी प्लान करते हैं कहीं चलने का। इसका कुछ ऐसा हाल है कि यहाँ आप लोग देख सकते हो पूरा पानी पानी हो चुका है और शुक्ला जी हमारे रोड क्रॉस कर रहे हैं। भाई यहाँ खड़े भी नहीं हो पा रहे यार, इतनी दिक्कत है। जो पानी है ना यहाँ से, देखो गाड़ी आती है इधर साइड कॉर्नर में, एकदम पुलिस की भी निकलती है और पूरा पानी साला हमारे ऊपर, साला इसीलिए साइड खड़े हो रहे। और भाई साहब तुम क्या बोल रहे थे कि भाई यहाँ खड़ा है, वेट कर रहा है, कौन है खड़ा? मैंने बोल दिया था कि तुम लेट ना करो। हाँ यार इनने बोल दिया को खड़ा है इधर वेट कर रहा है, मैं भी जल्दी जल्दी में आ गया यार। अब इधर खड़े होने की जगह नहीं है, क्योंकि यहाँ हम लोग रुके हुए, कार वाले वगैरह आते हैं कॉर्नर से, पुलिस वुलिस निकालते हैं भाई पूरा पानी अपने ऊपर। और बारिश हो रही तो अपने कैमरे को बचाने के लिए भाई साइड में खड़ा होना पड़ रहा है। देख सकते हो माय भोपाल और ये इधर स्टेज बन रहा है। इंडिया का बहुत बड़ा आदमी यहाँ पे आ रहा है, जो स्टेज लग रहा है। तो आप लोग कमेंट कर बताओ कौन हो सकता है। बाकी अभी हम लोग इधर रुके हुए हैं अपने रानी कमलापति में, थोड़ा अंदर घूम रहे हैं भाई। ये कोई आने वाला है, मिलने वाले हैं कोई संतोष भाई से, तो चलो उनसे मिल के आते हैं। इसके बाद हम लोग थोड़ी देर यहाँ रुकेंगे और इसके बाद घूमने बाहर निकलेंगे। अभी हम यहाँ से चल रहे हैं कुछ खाने पीने, थोड़ी भूख लग रही है। और शुक्ला इधर आ, इन दोनों ने भाई एक भाई अमेरिका बना दिया से निकाल के। और सुन तो इधर इधर आ, मेरे को अमेरिकन ना बता दे तुम, मैंने बोले नेपाल से आया या जापान से आया। दाढ़ी रख लेना भाई, तो क्या नेपाल सही हो जाएगा। अमेरिकन बताया कि अमेरिका गया, नेपाली जापानी की दाढ़ी पर अमेरिका गया, अमेरिका गया भाई। वो रोज सच मान गया भाई, बोल रहा भैया कैसा लग रहा भोपाल, कैसा लग रहा है आपको, आपको तो भोपाल पसंद नहीं आया बोलता है, आपको भोपाल पसंद नहीं आएगा, बट बढ़िया है यार। चलो संतोष गया राजमा चावल का ऑर्डर दिया और साला वहाँ मिला छोला चावल,
बट ठीक था, बहुत अच्छा नहीं था, खराब ही लग रहा था, मतलब इतना अच्छा नहीं था मेरे को। बाकी पेटीज खाया, पेटीज में थोड़ा लग रहा बहुत ज़्यादा पुरानी है यार, मतलब बोले ओवरऑल मज़ा नहीं आया। पेटीज 30 रुपये की थी, चावल 30 रुपये का था, चावल थोड़ा सस्ता लगा लेकिन पेटीज बहुत महंगी लगी। पेटीज मतलब 30 में एक नंबर मिलती है। और अभी हम लोग यहाँ जा रहे हैं चाय पीने, इधर जाएंगे चाय पियेंगे, और आज पूरा दिन ऐसे भाई लोग के साथ बातें वगैरह करते हैं, यहाँ घूमते फिरते निकल गया है। हम लोग आ चुके हैं रानी कमलावती प्लेटफॉर्म नंबर 1, ये आप देख सकते हो इधर पूरा यार। लेकिन एक बात मेरे को ऐसा समझ में आती है कि रात को ना ये कुछ ज़्यादा खूबसूरत लगती दुनिया बारिश के टाइम पे। तो चलो अभी हमारा जो दोस्त है आने वाला जिसको हम पिकअप करने आए, पहले हम लोग 5 नंबर में थे, अभी 1 नंबर में आ गए हैं। अच्छा आप बुला रहा है, उधर खड़ा हुआ है, चलो उसको लेते हैं। इसके बाद चलेंगे शुभम भाई के घर। शुभम भाई घर जाके वहाँ भाई थोड़ा कपड़े वगैरह चेंज करेगा, क्योंकि अभी सफ़र से आ रहा है, ट्रेन से आ रहा है, तो थोड़ा रेस्ट मिलना चाहिए, थोड़ा कपड़े वगैरह चेंज करेगा। इसके बाद हम लोग निकलेंगे घूमने के लिए। कल रात को बहुत भयंकर बारिश हो गई तो हम लोग कहीं घूमने नहीं गए और घर पे ही सो गए भाई खा पी के। एंड अभी ये देखो संतोष भाई, और मेन बात क्या था ना, हमारा पूरा कपड़े वगैरह जो थे सब गीले हो गए थे। अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं घर, तो चलो बाहर कुछ खाते पोहे वगैरह, इसके बाद घर चलते हैं। अभी इधर बाहर आया हूँ तो यहाँ भी लग रहा थोड़ा पानी वगैरह गिरा हुआ है, देखो कैसे यहाँ पूरे रास्ते में भरा है। चलो गाड़ी में बैठते निकलते हैं। चली चली लहरों से भरी तेरे नाम का ताज बना देंगे, मीठी मीठी मिस्र की डली तेरी रातों का चांद जगा देंगे। चली चली लहरों से भरी तेरे नाम। तो आप लोग कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा आप लोग को तो सभी लोग के साथ शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।